हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नितसंश किचन। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि इंस्टेंट कोकोनट चटनी कैसे बनाई जाती है। और ये चटनी मैंने सिर्फ कम इंग्रेडिएंट से बनाई है, पांच इंग्रेडिएंट से बनाई है मैंने ये चटनी। और ये चटनी खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और इंस्टेंट से बन जाती है। तो आइए इसकी हम अभी मेथड देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये आधा नारियल ग्रेटेड ग्रेट करके लिया है, या आधा नारियल का ग्रेट करके लिया है। और यहाँ हमने थोड़ी सी इमली ली है, ये स्वाद अनुसार नमक, और ये हमने छोटा टुकड़ा जिंजर का लिया है, अदरक का। और यहाँ हमने सिर्फ दो ही ग्रीन चिली ली है, क्योंकि हम लोग ये छोटी क्वांटिटी में चटनी बना रहे हैं। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो मिर्ची का भी उपयोग ज़्यादा करें। और यहाँ हमने 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली है, और लहसुन से टेस्ट बढ़ता है चटनी का, और ये हमारे स्वाद के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग एक मिक्सी जार में डालेंगे ग्राइंड करने के लिए। सारी चीज़ें हमने मिक्सी में डाल दी है, और अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब हमारी ये चटनी ग्राइंड करके रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ हमने ये चटनी बनाई है, और अभी ये सर्विंग के लिए रेडी है। तो हमारी ये चटनी बनकर अभी रेडी हो चुकी है, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने ये चटनी बनाकर रेडी की है, क्योंकि आजकल के बिजी शेड्यूल में हमें खाना बनाने का और टाइम भी नहीं रहता है। इसलिए हमने बहुत ही इजी और इंस्टेंट चटनी बनाकर आप लोगों को दिखाई है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, और इसे बनाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और इंस्टेंट इंग्रेडिएंट से ये बन जाती है। और ये चटनी आप चावल के साथ, चपाती के साथ, या ब्रेड के साथ, किसी के भी साथ ये अच्छी लगती है, और ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट है। और आपको जो ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों को, फैमिलीज को, रिलेटिव्स को शेयर करो, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, और चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू।